वेलकम। तो ये है हमारा थर्ड वीडियो होगा टेंस का। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस का तीनों रूप, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का सूत्र, नियम और उसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसका सूत्र जानते हैं, फार्मूला तो क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हैज या फिर हैव लगाना है। ठीक है, या तो हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। अब हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, ये आगे देखेंगे। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, इसमें देखना परफेक्ट आपको कहीं पर भी दिखाई देगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों में ही वर्ब का हमेशा कौन सा रूप होगा, थर्ड रूप होगा। इसमें तीनों में वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसके नियम की बात करें तो नियम क्या होगा इसमें, अगर आप मेरे टेंस से संबंधित फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे चुका हूँ, आप पहले उसको जाकर देख लें ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो नियम, पहला नियम इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहला नियम ये होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, या तो हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। अब हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, वो देखेंगे। तो जो हैज होगा ना, जो हैज होगा वो किसके किसके साथ लगेगा, ये लगेगा एकवचन जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ लगेगा। तो एकवचन और ही, सी, इट, इन सभी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, और हैव किसके साथ लगेगा, हैव लगेगा आई, वी, दे और जितने भी प्लूरल नाउन होंगे, मतलब बहुवचन संज्ञा के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होने चाहिए कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ नियम। अब उसके बाद पहला नियम तो हो गया, अब दूसरा नियम देखो। दूसरा नियम ये कहता है कि इसमें जो मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगा, वो हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, है ना। मेन वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, थर्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा नियम की बात करें, यदि हम इसका निगेटिव में चेंज करें, यदि हम अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो जैसे कि हम लोग पहले भी करते आए कि जो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगता है, नॉट लगता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, तो हैज या हैव के बाद नॉट लगाएंगे तो निगेटिव में चेंज हो जाएगा। जब हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के पहले लगा देंगे, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये कुछ नियम है। तो इसका पहचान क्या होगा, पहचानने का तरीका क्या है, इसमें हिंदी में वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका होगा, सॉरी चुका है, चुकी है या चुके हैं, ये सब आता है, या फिर या है, ये है, ये सब आता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट, जो काम पूरा हो चुका होता है वो क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो इसमें काम कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वे स्कूल जा चुके हैं, वे स्कूल जा चुके हैं, इसको आप ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में तो अफर्मेटिव टेंस में बन जाएगा, सकारात्मक बन जाएगा। तो वे इंग्लिश में क्या हो जाएगा, दे, पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता होनी चाहिए कि दे के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं आई, वी, दे, बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव। तो दे के साथ क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, हैव। तो दे हैव उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, जाना, तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन। आपको वर्ब का तीनों रूप बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी आपसे टेंस कंप्लीटली तौर पे बन पाएगा। तो दे हैव गो का हो जाएगा गोवेंट, गॉन, जी ओ एन ई, गॉन थर्ड फॉर्म होता है गो का। तो दे हैव गोन टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो ये हो जाएगा एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। तो ये बन गया आपका अफर्मेटिव। यदि इसका चेंज निगेटिव करने के लिए बोलता है तो निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही सरल है, क्या करना है, दे हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है तो क्या लगाना है, हैव के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, उसके बाद गोन टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे जो मेन वर्ब होगा वो चेंज नहीं होगा, जैसे कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो रहा था ना, और उस प्रकार से इसमें चेंज नहीं होगा, किसमें? परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। यदि हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा इंटरोगेटिव? तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने में रख दो, तो हैव सामने में आ जाएगा, उसके बाद दे लिखो सब्जेक्ट को, उसके बाद गोन, GONE, गोन टू स्कूल, और लास्ट में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप समझते हैं पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पहले जानें। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड, HAD, हैड, हैड का लगेगा, ठीक है, HAD, हैड। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, आपको पता है परफेक्ट में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड है, तो आपको सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट में कुछ भी रहे, एक वचन, बहुवचन, आई विद, कुछ भी रहे, तो क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब में हैड ही लगेगा। तो इसका नियम देख लेते हैं, इसका नियम क्या होगा? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड का प्रयोग होगा, ठीक है। दूसरा इसका नियम क्या हो जाएगा? इसमें भी जो मेन वर्ब होगा वो कौन सा फॉर्म में होगा? थर्ड फॉर्म में होगा, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में होगा। तीसरा नियम, जब भी हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब सीधा हेड लिख देता हूँ, हेड के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है, ठीक है। जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हेड के बाद क्या लगा देना है? नॉट, तो निगेटिव बन जाएगा। और जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो हेड है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, उसको वाक्य के पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है, उसके बाद क्या लिख देना है? सब्जेक्ट लिख देना है। तो ये कुछ नियम है। अब इसके भी पहचान देख लो, पहचान मतलब उसके सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्या आता है। तो इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब आएगा, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है हिंदी में। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके वाक्य के अंत में क्या है? वाक्य के अंत में आना चाहिए चुका था, तो इसी का बना देते हैं। जैसे कि वे स्कूल जा चुके हैं, ये प्रेजेंट का हो गया। जब पास्ट में चेंज करें तो वे स्कूल जा चुका था, वे स्कूल जा चुका था, ये हो जाएगा इसका वाक्य बन जाएगा, ठीक है, कौन सा? पास्ट परफेक्ट का। चलो इसको अफर्मेटिव में चेंज करो, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। तो वे मतलब दे, वे मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? दे। सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैड। मैं पहले बता दिया हूँ कि सब्जेक्ट कुछ भी रहे, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगाना है? हैड लगाना है। तो दे हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? जाना, तो गो का क्या हो जाएगा? गोन, GONE, गोन टू स्कूल, ये हो जाएगा। फिर समझ में आया। उसके बाद अफर्मेटिव के बाद निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? निगेटिव बनाने के लिए हमको हेड मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो हेड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, उसके बाद गोन टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद जब हम इसका इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, तो इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वाक्य के पहले लिखते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। हम देखो ध्यान रखना, जो इंटरोगेटिव है वो किसका बना रहे हैं? अफर्मेटिव का बना रहे हैं, तो ये इसका बना रहे हैं, तो हेड पहले लगा, उसके बाद दे, TH EY, दे, उसके बाद गोन, GONE, गोन टू स्कूल, और लास्ट में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यदि हम निगेटिव सेंटेंस का क्या बनाए? इंटरोगेटिव बनाए, तो कैसे बनेगा? हेड को पहले लगाओ, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाओ, उसके बाद दे, उसके बाद क्या हो जाएगा? दे, है ना, उसके बाद नॉट। यदि हम निगेटिव वाले का बनाए, निगेटिव वाले का इंटरोगेटिव बनाए, तो हेड लगेगा, उसके बाद दे लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद गोन टू स्कूल, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला। सबसे पहले देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या यूज होगा? तो फ्यूचर है मतलब विल या शैल, तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, SH, 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 SH,
हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ये कुछ इसके फॉर्मूला आपको याद करना है। जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, है ना, विल या शैल किसके साथ लगता है, आपको पता है विल या शैल किसके साथ लगता है। आई और वी को याद रखना है, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सब्जेक्ट में कुछ भी रहे तो क्या लगाना है, विल। ठीक है, और उसके साथ है कंपलसरी रहेगा, विल लगता है तो विल है हो जाएगा, शैल लगता है तो शैल है हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही तीनों रूप में। ठीक है, मतलब तीनों टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, तीनों में वर्ब का कौन सा फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म। चलो इसके बाद अपने को देखना है नियम, चलो इसके कुछ नियम है उसको देख लें। तो
तो इसमें जो हेल्प पहला नियम क्या बोलेगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या फिर, चलो शैल हैव को नीचे में लिख देते हैं, शैल हैव। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दो चीज रहेगा, मतलब ऑप्शंस में है विल हैव या शैल हैव, यदि विल हैव लगता है तो शैल हैव नहीं लगेगा, तो ये विल या शैल किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। दूसरा जो इसका नियम कहता है वो क्या कहता है, इसमें भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है, जो इसका तीसरा नियम है वो क्या कहता है, जब भी हम निगेटिव बनाएंगे इसको ध्यान रखना, जब हम निगेटिव बनाएंगे ना तो देखो यहाँ पे विल हैव और शैल हैव, तो क्या विल हैव के बाद नॉट लगाएंगे क्या, नहीं, विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, यदि शैल लगता है तो शैल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। तो इसको कैसे लिख दें, इसको ऐसे लिखना है विल या शैल, विल या शैल प्लस नॉट, उसके बाद प्लस हैव, ये बनाना है आपको निगेटिव बनाने के लिए। पहले क्या होगा, विल या शैल लगेगा, विल या शैल के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद हैव लगाना है, तो क्या बन जाएगा, वो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद चौथा, यदि हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो विल या शैल है उसको पहले लिखो, तो विल या शैल को क्या करना है, वाक्य के पहले लिखना है, विल या शैल के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद लगेगा क्या जुड़ा है, विल या शैल के बाद हैव, तब आएगा हैव बाद में। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ये अब चलो एक इसका पहचान क्या हो जाएगा, पहचान देख लेते हैं साथ ही साथ। तो पहचान इसका ये है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, वाक्य के अंत में आएगा चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब आता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसी को ले ले, वे स्कूल जा चुका था, तो ये हो जाएगा वे स्कूल जा चुका होगा, वे स्कूल जा चुका होगा। तो इसका अपने को सबसे पहले अफर्मेटिव बनाओ, अफर्मेटिव कैसे बनेगा, वे, तो इंग्लिश में हो जाएगा इसका दे, उसके बाद दे के बाद क्या लगेगा, विल हैव लगेगा कि शैल हैव लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दे के साथ क्या लगता है, विल, तो ये हो जाएगा विल हैव, हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा विल या सॉरी विल हैव, तो दे विल हैव हो गया। अब मेन वर्ब लगाना है, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, इसमें जाना, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन, GONE, गोन, उसके बाद टू स्कूल, ये बन जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको निगेटिव में चेंज करें तो निगेटिव में कैसे चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दे विल, उसके बाद विल के बाद क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद लगेगा हैव, उसके बाद गोन, टू स्कूल। यदि हमको इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना हो तो कैसे चेंज होगा, तो विल पहले आएगा, तो ये हो जाएगा विल, उसके बाद क्या लगाना है, दे विल के बाद दे लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद लगेगा हैव, तो पहले विल, उसके बाद दे, उसके बाद हैव, उसके बाद गोन, टू स्कूल, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार से परफेक्ट टेंस का तीनों रूप आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो किस पर होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस पर होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।